साथ हैं सहारनपुर जिले के दो टॉपर बच्चे, तो आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम बेटा? आयशा वसीम फ्रॉम रेनबो। आयशा हमारी बहुत ही सीधी लड़की है, तो इसकी आवाज भी बड़ी सॉफ्ट और इसलिए बड़ी धीरे आवाज में बात करती है, बहुत ही सहनशील लड़की है। नेक्स्ट। तो एक और सॉफ्ट स्पोकन बच्चा हमारे साथ है, देविका भाटिया। तो दोनों बच्चे हमें एक जैसे मिले हैं, दोनों ही सॉफ्ट स्पोकन है, तो मुझे ही चिल्लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आयशा से पूछते हैं, आयशा आपका रिजल्ट कैसा रहा क्लास 12th का? I got 93 in biology. Very good. Next. अब मैं बस आपसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि किस तरीके से आपने अपनी तैयारी को किया और आने वाले बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपनी तैयारी को कैसे करें? एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है और उससे बाहर प्रिपरेशन ज़्यादा ना करें, मेनली फोकस एनसीईआरटी पे ही रखें और राइटिंग प्रैक्टिस थ्योरी के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो राइटिंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ओके, तो अकॉर्डिंग टू आयशा वन मस्ट कीप मोर फोकस ऑन द एनसीईआरटी एंड मस्ट इम्प्रूव देयर राइटिंग स्किल्स। नेक्स्ट। प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो है डिटर्मिनेशन, दैट वी हैव टू गेट गुड मार्क्स और फॉर द करियर और एनीथिंग, दैट डिटर्मिनेशन। एंड इफ वी टॉक अबाउट बुक दैट लाइक शी सेड, एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक एंड इज द ओनली बुक एक्चुअली दैट बोर्ड हैज प्रेफर्ड फॉर अस, सो वी मस्ट कीप द आवर आईज ऑन एनसीईआरटी ओनली, स्पेशली फॉर बायो आई वुड से, एंड ऑल्सो द नोट्स दैट आवर टीचर्स गिव अस। ओके, तो नोट्स एंड एनसीईआरटी शुड बी ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटी। इसके अलावा आप डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? जितना डिटरमिन्ड रहोगे, गोल की तरफ ओरिएंटेड रहोगे, उतना कम आपका डिस्ट्रैक्ट होने का भी मन करेगा। तो अगर डिस्ट्रैक्शंस हैं भी तो उनके लिए एक पर्टिकुलर टाइम निकाल लो और बाकी टाइम अपनी स्टडीज को। तो बहुत अच्छी बात आयशा ने कही कि डिस्ट्रैक्शंस जिन चीजों से होती हैं जो हमें अच्छा लगता है उनको भी छोड़ना नहीं है, उनके लिए एक सेपरेट टाइम रखना है। तो ये बहुत ही अच्छी बात बताई है। अब मैं चाहूंगा देविका भी इस पर रिलेटेड हमें कुछ बताए। सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा 12th में है ना, ही और शी इज डिटरमिन्ड कि मुझे अच्छा स्कोर करना है, तो वो कोशिश करता है कि डिस्ट्रैक्शन ना हो, मिनिमम हो, लेकिन फिर भी होता है डिस्ट्रैक्शन बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। एंड फर्स्ट डिस्ट्रैक्शन तो दिस मोबाइल फोन, आई वुड से फॉर एवरीवन, इवन फॉर मी एंड एवरीवन, बट आई वुड से कि ये मोबाइल फोन अगर ये डिस्ट्रैक्शन रहा तो हम स्कोर नहीं कर सकते कभी भी। तो वन शुड यूज मोबाइल एज लेस एज पॉसिबल। ओके, फॉर द स्टडी पर्पस आई वुड से। तो आप जब यूज करें तो इसको बेसिकली स्टडी पर्पस के लिए यूज करें और किसी पर्पस के लिए इसको कम से कम यूज करें। तो बहुत अच्छी बातें बताई हमें दोनों ही बच्चों ने। और कोई मैसेज आप आने वाले बच्चों को देना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे बड़ा मैसेज तो यही कि इम्पोर्टेंट है बोर्ड्स, मार्क्स, ये सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, मायने रखता है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर हैप्पीनेस। वेरी गुड, तो बहुत अच्छा मैसेज दिया है देविका ने कि बोर्ड के मार्क्स सब कुछ मैटर करता है, बट द फर्स्ट थिंग इज वन शुड रिमेन हैप्पी, और साथ साथ हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू।